हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुलशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जेडीके में यानी कि इंटेलिजे आइडिया में आप अगर आप चाहते हैं कि नया प्रोग्राम बनाने, जैसे कि आप बहुत सारे वीडियो सर्च किए हुए होंगे यूट्यूब पे, आपको कहीं ये वीडियो नहीं मिलता कि आपको अगर नया प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाए, नया मतलब फाइल बनाना है, फोल्डर बनाना है तो किस फोल्डर में रखें और कैसे रखें, उसके बाद नया प्रोग्राम कहाँ लिखें। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर क्लियर बताएंगे कि कैसे इंटेलिजे आइडिया में फाइल बनाकर और उसमें प्रोग्राम लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जेडीके इंस्टॉल कर लेना होगा गूगल क्रोम से, और उसके बाद फिर इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद का प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए होगी जिसमें कि जेडीके और इंटेलिजे आइडिया को हम डाउनलोड करके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं, तो आप वहाँ पे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंटेलिजे आइडिया ओपन कर लेना होगा, चलिए हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, इंटेलिजे आइडिया ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे इस तरह से आपका कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हम पहले से रखे हुए हैं तो कुछ कुछ प्रोग्राम इसमें है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल कर दिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको नया अगर फोल्डर बनाना हो, मतलब कि जैसे ये वीएस कोड से थोड़ा अलग है, तो मतलब वीएस कोड में क्या होता है कि सबसे पहले वहाँ पे फाइल फोल्डर रहता है, वहाँ पे आप फोल्डर जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, जैसे ये यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो नया फाइल बना वर्कप्लेस, मतलब आप अगर पहले से बनाए हुए होंगे तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे वर्कप्लेस में, और फिर उसके बाद यहाँ से जाके यहाँ से फोल्डर आप बना लेंगे। फोल्डर बनाने के बाद ऐसे फोल्डर बना लेंगे, फोल्डर बनाने के बाद उसमें फाइल बना सकते हैं। जैसे यहाँ फोल्डर बन जाएगा, फोल्डर जैसे हम बना लेते हैं गुलशन लिख लेते हैं, लिख लिए, और इसमें आप अगर चाहें तो फाइल बना सकते हैं। अब इसमें फाइल बना लेंगे कुछ भी, मतलब गुलशन डॉट पी वाई। तो देखिए, यहाँ पे गुलशन डॉट पी वाई से पाइथन का फाइल बन गया। आप अगर यहाँ पे चाहें तो प्रोग्राम लिख के रन करा सकते हैं। वीएस कोड से थोड़ा अलग है इंटेलिजे आइडिया, उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ से फाइल में जाना पड़ता है, फाइल में जाकर न्यू में जाना पड़ता है, न्यू के बाद प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अनटाइटल्ड करके आ जाएगा। तो आप जैसे इंस्टॉल करेंगे ये इंटेलिजे आइडिया तो आपको अनटाइटल्ड करके ही मिलेगा, तो आपको वैसे लगेगा कि कहाँ हम घुस गए, यहाँ पे कैसे हम प्रोग्राम लिखे। तो सबसे पहले आपको वो सब छोड़ देना है, सीधे फाइल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर लेना है, फाइल के बाद न्यू पे आ जाना है, न्यू के बाद प्रोजेक्ट पे आ जाना है, एक बार प्रोजेक्ट पे आ जाना है। प्रोजेक्ट पर अनटाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना नाम सिंपली लिख देना है, जैसे मान लीजिए मनोज लिख दिया, मनोज। और यहाँ पे ये आपको लोकेशन दिया हुआ है कि आपको कहाँ पे ये इस नाम का फाइल कहाँ पे सेव होगा, तो इसे यहाँ पे करके हम यहाँ पे क्रिएट कर दिए। और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, इसे क्रिएट कर देना है। क्रिएट करते आपको दो ऑप्शन मिलेगा, बोलेगा कि न्यू विंडो में इसको खोलें या फिर उसी विंडो में, तो हम इसको न्यू विंडो में खोल लेते हैं। न्यू विंडो में खोलेंगे, देखिए यहाँ पे एक फाइल बन के आ गया डी में, जावा, आपके डी ड्राइव में जावा में जाइएगा, जावा के बाद फिर हम जैसे बनाए हुए हैं जावा, उसके बाद फिर मनोज मिल जाएगा आपको। इसके बाद आपको प्रोग्राम लिखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आते ही आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे प्रोजेक्ट में हम मेरा मनोज नाम से बनाए हुए हैं, तो ये वाला यहाँ पे दिखेगा आपको, लोकेशन यहाँ पे पूरा दिख जाएगा कि किस लोकेशन में ये फाइल सेव होगा, जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे कहाँ पे सेव होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ना एस आर सी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एस आर सी पे यहीं पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही न्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर में, न्यू पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद जावा क्लास मिलेगा। जावा क्लास पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बोलेगा कि आप कौन सा किस नाम से प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, मतलब वो क्लास बनता है जावा में, तो आपको अपना प्रोग्राम का नाम लिख देना होगा। जैसे हम मान लीजिए हेलो का प्रोग्राम बनाने वाले हैं, यहाँ पे हेलो डॉट जावा लिख लेते हैं, क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आग बन के आ गया, तो यहाँ पे पब्लिक क्लास हेलो लिख के आ गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर जावा का मतलब प्रोग्राम लिख सकते हैं, और प्रोग्राम लिख के और सेव करके रन करिएगा, रन करते ही आपको वो मतलब वहाँ पे सेव हो जाएगा आपके फाइल में। तो चलिए आपको हम छोटा सा प्रोग्राम रन करके भी दिखा देते हैं। तो फिर चलिए अब आपको हम जावा जावा में हेलो वर्ल्ड का छोटा सा प्रोग्राम आपको लिख के दिखा देते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कैसे प्रोग्राम रन करता है। सबसे पहले हमको कोड लिखना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड के लिए, तो चलिए लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सॉरी ब्रैकेट बंद कर लेंगे, लिखेंगे स्ट्रिंग देन ए आर जी एस, उसके बाद नीचे फिर से ब्रैकेट बंद करके उसमें लिख देंगे सिस्टम आउट प्रिंट एलन,
लिए इसको यहाँ पे क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी प्रिंट कराना होगा। तो यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। यहाँ पे चलिए लिख लिए, उसके बाद हम रन कराते हैं। रन के लिए ऊपर में आपको यहाँ पे ये आइकन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करते ही वो रन करने लगेगा। यहाँ पे क्लिक कर लिए, देखिए नीचे रन कर रहा है। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आ गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप नया फाइल बनाकर और नया प्रोग्राम लिख सकते हैं जो आप नया नया इंस्टॉल किए हुए हैं इंटेलिजी आइडिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इससे रिलेटेड या फिर और भी किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम आपका वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे या फिर उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे।